मैं हूं डॉक्टर देवांगी जोगल। दोस्तों, हेल्दी रहने के लिए आयुर्वेद का अनुसरण आज पूरी दुनिया में हो रहा है। केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग जान चुके हैं कि तंदुरुस्त यानी कि स्वस्थ रहने का सबसे इफेक्टिव वे आयुर्वेद में है। आयुर्वेद मानता है कि कॉन्स्टिपेशन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल अदर डिजीजेस, यानी कि सब रोगों का मूल कारण कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन क्या है और किस तरह से उससे छुटकारा पाया जाए, इसके बारे में आज हम जानेंगे। हमें ऐसा लगता है कि पूरे दिन में एक बार हमारा पेट साफ हो गया, दस्त हो गया, यानी हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं है, परंतु यह बात सच नहीं है। कॉन्स्टिपेशन की कुछ डेफिनेशन आयुर्वेद में बताई गई है। अगर आपको हर रोज फिक्स टाइम पे स्टूल पास नहीं होता है, देन यू आर सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। जैसे कि आज आप मॉर्निंग में स्टूल पास करने के लिए गए, कल दोपहर को गए और परसों शाम को गए। आपके मल त्याग का फिक्स टाइम नहीं है तो आपको अवश्य ही कब्ज है। दूसरी परिभाषा के हिसाब से, अगर आपको टॉयलेट में ज्यादा समय तक बैठे रहना पड़ता है, देन आल्सो यू आर सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। और तीसरी परिभाषा के हिसाब से, अगर हमेशा हर रोज आपके स्टूल का आगे का पोर्शन, मल का आगे का हिस्सा हार्ड होता है तो भी आपको कब्ज है। यह तीनों में से कोई भी कंडीशन अगर आपके केस में पॉजिटिव है तो आपको गौर करना चाहिए कि आपको कब्ज है और इसके लिए कुछ भी प्राइमरी लेवल पे ट्रीटमेंट शुरू कर देनी चाहिए। अगर प्राइमरी लेवल पे आप कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट नहीं करते तो वह आगे जाकर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का स्वरूप पकड़ता है और क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन आगे जाकर डायबिटीज, बीपी, हार्ट डिजीज एंड कैंसर जैसे भयंकर रोग का कारण बन सकता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि कॉन्स्टिपेशन को घरेलू इलाज से कैसे अच्छा किया जाए। हर रोज सुबह खाली पेट 1 से 3 ग्लास गर्म पानी पीना चाहिए, जिसे आयुर्वेद में उषपान कहते हैं। हर रोज रात को सोने से पहले 1 ग्लास गर्म गाय का दूध, 2 से 4 चम्मच गाय का घी डालकर पीना चाहिए। आहार में मौसम्बी, संतरा, द्राक्ष, आंवला जैसे फाइब्रस फ्रूट्स का प्रयोग बढ़ाना चाहिए। काली द्राक्ष यानी कि मुनक्का हर रोज रात को 15 से 20 भिगोकर सुबह क्रश करके इसका पानी पीना चाहिए और सुबह भिगोकर रात को सोने से पहले पीना चाहिए। हर रोज हाफ एन आवर फास्ट वॉकिंग या एक्सरसाइज कंपलसरी करनी चाहिए। यह सब चीजें ऐसी है जो कब्ज को दूर करने में आपको मदद करेगी। अगर फिर भी आपको अच्छा ना हो तो कोई भी आयुर्वेदिक वैद्य को दिखाकर इनोसेंट आयुर्वेदिक दवाई ले सकते हो। फिर भी अच्छा ना हो तो कब्ज के परमानेंट क्योर के लिए आयुर्वेदिक पंचकर्म ट्रीटमेंट करवा सकते हो। कब्ज मुक्त रहो, रोग मुक्त रहो। नमस्कार।